बहुत ज्यादा परेशान लग रहे पार्क साहब क्योंकि इन्हों कंधे बहुत ज्यादा जिम्मेवारी करके कंधे थोड़े झुके हुए हैं। इधरले पास सूरज होता है, इधरले पास मीह होता है, इधर का बस ठंड ही ठंड है। लो भी बर्फ वाले पहाड़ के दिसन ला के जिथे चिट्टा चिट्टा जाए ना कम ये जोड़ा है बंद ही होगा नजरी लग गई। अरे क्या देखेंगे पहला चढ़ता फुला बिच ला फिर स्टेरिंग नु हाथ पाउंदे नहीं हुण तू मना लै मैनू का सड़दा सीगा गड्डी नी तरवारे यार कदो तुरंगे अच्छी झूठे लाई जाने हिल हिल के ठीक है गल चंडीगढ़ वाला साहब रेडी है हले भी तक मारना तो मार कर बहुत लग रही है मैं कह रहा हूं हले भी मार रहे थे हाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਪਾਰਕਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਈ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਜਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਫਿਰ धुप्पा घबराना जामी क्योंकि अगे जाके मोड़ आउणगे कहिंदे देखदे आउणगे ते नहीं आउंदे अज तां लड़ाई हो गई बंदा जिहड़ा हैगा गाला सुआ कड्ढ गया रोड भी टुट जाते हैं पहाड़ भी टुट जाते लैंडस्लाइडिंग वास्ते रखा इन्होंने कंध जी कटी सी पर जो कुदरत आई आप आई तो भी तोड़ के लै गई बड़ी घैंट लोकेशन आ जिथे रुकना होंगे कोसा आ गया किधर चक्या मूंह आ भी इतने लई फिर यार थोड़े थोड़े काम पार्कर पूरा जरा है देख लो खिची उतरी आता काम है ना तो इस वक्त आप राह रुके चाह एक पीने वाले पंद्रह बंदे बंदा भुगतदा नहीं गा जवाब किसी ने दिता कहते परौठा कहना बना मैगी बना चाह बना चन्नी बनाया बैठा बना कुछ नहीं
उस वक्त आप पहुँच गए गुरद्वारा लंगर दमदमा साहिब। ठीक है, गड्डिया लग गई तो काफ़ी देख लो, बहुत ज़्यादा बाइकों तो मुंडे पंजाब तो आते हैं इतने आके। असल आप गल करिए ऋषिकेश से गोबिंद घाट के विचकार ये जगह दमदमा जिवें लिखा भी इतने दम लैके प्रशादा छक के अगे जाते हैं। तो इधरों उन्होंने सारे ने क्योंकि दुकान पहाड़ियाँ शुरू होने बर्फ वाली तो मीह बर्फ लगातार पै सकती है तो करके हर एक ने आपका प्रबंध किया होंगे। तो साड़ी दूजी गड्डी भी आ गई है 18 पूरे पल 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 सुन चल गए अगे इधरले पाए छके लंगर। इस वक्त संगतियां सारे नौजवान लंगर छक रहे थे इतने पड़ा करन तो बाद दम लैन तो बाद लंगर छकन तो बाद जिहड़ा हैगा आपां गोबिंद धाम की यात्रा शुरू कर दें। ओके उधर नैक्सट फौजा इधरों नाल नौजवान जोड़े लंगर तैयार कर सो ये रास्ते का एक पड़ा है। राह दे विच मीह आ गया क्योंकि कणगां आ गईआं ते इहदे करके फिर ये भरा ने क्योंकि सारे बैग आ जिहड़े उपर आ ते सामने बहुत ज़्यादा मीह आ रहा हजे इतने एक एक दो कणगां डिगणा शुरू हुआ तो हुण सारे बैगों ते तरपाल पा देनी है। सो देख लो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं पार्क साहब क्योंकि इन्हां दे कंधिया बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है करके कंधे थोड़े झुके हुए हैं। इधरों तरपाल पा देने क्योंकि मीह दीआं कणगां पैणियां शुरू हो गईआं ते फिर इधरों असीं खड़ गए हजे लगभग 4 घंटे का राह बाकी है। जदों भी हेमकंड साहब की यात्रा हो तुहाडे कोल रेनकोट होने चाहिए आ, कपड़े गर्म होने चाहिए आ, गड्डी वाले कोल तरपाल होनी चाहिए है क्योंकि समां इधरले पासे सूरज हुंदा है इधरले पासे मीह हुंदा है इधरों का बस ठंड ही ठंड है तो वह भी कड़ाकेदार बर्फ वाली बर्फ ही बर्फ होनी। अगे चलते हैं उतो तरपाल पाई से भी कितने मीह बड़ा लौगा अगे जाके मौसम फिर साफ हो गया इतने आए नहीं पता लगता मीह कितने पैन लग जाए मौसम कितने साफ हो जाए। तो हूँ आ गया एक छोटा जहा शहर वैसे पिंडों ए लगता हूँ शायद जो आप हेमकुंड साहब जावे पता नहीं राह के खाली होना नहीं अंदर बहुत ज़्यादा आबादी है भाई हाथों की। तरक्की दी राह कई बार खड्डे भी आ जाते हैं पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है उत्तराखंड मनो बहुत ज्यादा लो भी बर्फ वाले पहाड़ के दिसन ला के उत्थे जिथे चिट्टा चिट्टा जाए ना कम तो हुण लगता भी पहुँच जाएंगे आप गोबिंद घाट इतों रहेगा 70 किलोमीटर उत्ते इंडिया की प्रोग्रेस जी भाई चल रही है सड़क बहुत घैंट घैंट बन रही हूँ वाले 4-5 साल बाद मैं लगता ही जाया करोगे जिमें अमृतसर वाला GD रोड होंगे। इधरों एक बंद साढ़े नौ जड़ियाँ है उल्टियां लग गई करके एमरजेंसी लैंडिंग करनी पै गई गड्डिया तो थोड़ा जहा चलो सानू भी सह आया तो नाल व्यू बड़ा घेंट है इतने यार इधर पासे झरने झूरने पता नहीं बच्चे दरिया पहाड़ तो इतने थोड़े जे मैं गांह जाके ना दिसिया भी बर्फ वाले तो आ देखो क्या बात है ये जो है बंद ही हो गया नजर ही लग गई अरे क्या देखेंगे पहला चढ़ता बुला फिर स्टेयरिंग हाथ पाँदे है ना ये बंदे है बई ये कहने भी साड़ा काम रोजदा इधरों लैके आना इधरों करना तो आह जोड़ा है आप गल करके गाने गुणे बच्च चला वास्ते स्पीकर छोटा रखे हुआ है ना मनोरंजन पूरा सफर का नजारा कोटली बाई दुगना आ रहा है ऐदा उन्ना नहीं होना हूं वाद आ रहा नहीं हूं तू मना आ मैनू क्या छड़ता है जे तेरा सिर तेरा गंजा मारदा कोई पिछो बैठे तो तू मैनू बारी खोल के सिटो तुर रहा है मैं गड्डी के मेरा काला जे हुण तू फिर एवे बैठे जी गेट खुल गया एवे ठा कर ओहो असल दे विच पार्कर दा सिर दे विच वाल बेचारे दे ठोला मार जा ठोला मार जांदा नाम मात्र ने ए पहली गल बहुत औखी गल है सिर डब खोटा पावा असल दे विच यार इधर नेरा हो गया पार्क दी लाइट बुझी जांदी है ना ओ
शाम का 8:30 का टाइम हो गया, मतलब शाम ही हो गई। इतो पता लगता भी हम मौसम बदल गया। कड़ाकेदार है हजे लगन नहीं लगी ठंड, क्योंकि ए तैनू पता भी अंदर से स्ट्रॉन्ग है। ਚਿੜੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗੀ ਖਾ ਲਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਇੱਥੋਂ ਹਜੇ ਵੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ ਗਰਮ, ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਆ, 35 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 2 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਭੇਡਾਂ ਬਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇਖਾਂ ਵਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੀਚੇ, ਅੱਛਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏ, ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ ਬਈ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਭਰਤੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਇਓ ਬਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 18 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਏ। ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲਗਭਗ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀ 9 ਵਜੇ 9:30 ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ 11, ਹੈ ਨਾ 11 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਗਏ 10.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ 11.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪੀ ਬਾਈ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਰੂਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ